हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू अफेयर टीवी। कहानी शुरू होती है एलिजाबेथ एरा से। दौर चल रहा है 1603 ईस्वी का। इंग्लैंड की क्वीन है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ अब काफ़ी बूढ़ी हो गई है। इसी एम्पायर में रहती है ओरलैंडो। ओरलैंडो वैसे तो लड़की दिखती है, पर है वो लड़का। यहाँ पेड़ के नीचे वो टहलते हुए एक बुक को पढ़े जा रही है। वो अपने ख्यालों को शेयर करते हुए कहती है कि उसे ये दुनिया बड़ी अजीब लगती है। और यहाँ बुक को पढ़ रही थी कि तभी उसे बुलावा आया है क्वीन एलिजाबेथ का। ओरलैंडो दौड़ते हुए वहाँ पहुँचती है। वो देखती है कि एलिजाबेथ ने यहाँ पर डिनर ऑर्गेनाइज़ किया है। सभी इस डिनर को इंजॉय कर रहे हैं। ओरलैंडो यहाँ एलिजाबेथ के लिए गाना गाती है। उसके लिए वो एक्ट भी परफॉर्म करती है। बाद में एलिजाबेथ ओरलैंडो को अलग ले जाती है। एलिजाबेथ के सारे आदमी यहाँ एलिजाबेथ और ओरलैंडो को एक साथ पहुँचाने में हेल्प करते हैं। रात को ओरलैंडो एलिजाबेथ की देखरेख करती है। एलिजाबेथ ओरलैंडो से कहती है कि अब उसके मरने का समय आ रहा है। उसने एक लेटर ओरलैंडो के पैरों में फंसा दिया। इस लेटर से वो जाहिर करती है कि मरने से पहले वो अपने स्टेट में से कुछ शेयर ओरलैंडो को देना चाहती है। एलिजाबेथ भी ओरलैंडो को मर्द ही मानती है। इस तरह उसने काफ़ी सारा कैसल और कुछ स्टेट उसको दे दिया है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ की डेथ हो गई है। ओरलैंडो उसके फ्यूनरल में शामिल होती है। वो काफ़ी इमोशनल है। इन सब के बाद ओरलैंडो ने इस स्टेट की देखरेख करनी शुरू की। मरने से पहले एलिजाबेथ ने ओरलैंडो से कहा था कि हमेशा ऐसे ही रहना, कभी अपने चेहरे पर झुर्रिया मत पड़ने देना, कभी बूढ़ी मत होना, हमेशा जवान रहना और कभी मरना भी मत। इत्तेफाकन ये सारी बातें ओरलैंडो के साथ सच हो गई हैं। यानी समय गुजरता रहेगा, साल दर साल आते जाते रहेंगे, सदियाँ गुजर जाएंगी, पर ओरलैंडो हमेशा यंग रहेगी। एक डांस फेस्टिवल के दौरान उसकी नज़र जाती है शशा पर। शशा पड़ोस के राज्य की लड़की है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ओरलैंडो का दिल उस पर आ गया। इसकी वजह यह है कि ओरलैंडो खुद को अंदर से मर्द मानती है। उसे शशा पसंद है। यहाँ इस डांस में एक लड़का भी है जो कि ओरलैंडो को देखता है। अब ये लड़का तो ओरलैंडो को लड़की ही समझता है। उसकी खूबसूरती देखकर उसे पसंद करने लगता है, पर ओरलैंडो उसे रिजेक्ट कर देती है। धीरे धीरे शशा और ओरलैंडो की दोस्ती बढ़ती गई। दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया। इस तरह दोनों ने एक रिश्ता कायम कर लिया। दोनों एक दूसरे के साथ चुंबन क्रिया करते हैं और फिर आपस में संभोग करते हैं। दोनों ने साथ में रहने का फैसला किया था, पर ये रिश्ता चल नहीं पाया। शशा की अपने राज्य में किसी और से शादी हुई और ये रिश्ता टूट गया। समय बदला, साल दर साल बीतते गए, यानी सदियाँ भी गुजर गई। अब 1700 ईस्वी आ गई है। ओरलैंडो अपने पड़ोस के राज्य में जाती है। यहाँ उसका भाई रहता है। उसका भाई जब ओरलैंडो को देखता है तब उसे पसंद करने लगता है। उसे देखते ही उसे संभोग की इच्छा जाहिर करता है। ओरलैंडो उसे रिजेक्ट करती है, पर जेम्स उसे कहता है कि उसे ओरलैंडो की खूबसूरती पसंद है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को दोनों आपस में खपागप करते हैं। इन सब के बाद जेम्स ओरलैंडो से कहता है कि उसके राज्य पर खतरा है, पड़ोसी मुल्क से उस पर अटैक होने वाला है। ओरलैंडो अपने आप को असहाय पाती है। वो कोई भी हेल्प करना नहीं चाहती। लड़ाई होती है, पर ओरलैंडो अलग खड़ी रहती है। जब वो एक सोल्जर की लाश को देखती है तब वो हर्ट होकर यहाँ से चली जाती है। इन सब के बाद समय और भी आगे चला आया है। अब 18वीं शताब्दी आ गई है। ओरलैंडो पहुँची है ओटोमन एम्पायर। यहाँ के किंग, जो कि रिश्ते में उसके अंकल लगते हैं, वो ओरलैंडो से कहते हैं कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो। उनका यह भी कहना है कि वो ओरलैंडो की हेल्प कर सकते हैं उसके राज्य को चलाने में। ओरलैंडो के राज्य में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो कि ओरलैंडो को उसके पद से हटाना चाहते हैं, और इसलिए यहाँ पर ओरलैंडो पर अटैक होता है। समहाउ ओरलैंडो बच गई। किंग यहाँ ओरलैंडो को शादी के लिए प्रपोज करता है। ओरलैंडो काफ़ी घबरा जाती है। यहाँ से भागते हुए झाड़ियों में जाती है। गार्डन से होते हुए वो बाहर निकलती है। इसी दौरान हमें समय का लीप दिखाया गया है, यानी कहानी अब 20वीं शताब्दी में आ गई है। यहाँ एक प्रिंस आता है जो कि ओरलैंडो को हेल्प करता है। वो उसे लिए चला जा रहा है। ओरलैंडो प्रिंस को अपने स्टेट में जाने को कहती है। इस तरह ये दोनों ओरलैंडो के स्टेट में आए हैं। दोनों यहाँ एक दूसरे के बारे में शेयर करते हैं। ओरलैंडो नहीं बताती कि वो अंदर से मर्द महसूस करती है। वो ये भी नहीं बताती कि वो कितने 100 सालों से जिंदा है। ओरलैंडो और ये प्रिंस यहाँ आपस में संभोग करते हैं। इन दोनों के धुआंधार संभोग के बाद अगली सुबह इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया है। यहाँ तक तो ठीक था, पर अब अचानक से खबर आई है कि ओरलैंडो अब इस राज्य की उत्तराधिकारी नहीं रहेगी। इसकी वजह यह कि ओरलैंडो को अब तक मर्द माना जाता था, पर वास्तव में वो तो लड़की ही निकली। उसके अंदर फीलिंग्स भी लड़कियों वाली हैं। इस तरह ओरलैंडो को इस राज्य से बेदखल कर दिया गया है। प्रिंस उसे समझाता है।
वो कहता है कि तुम डरो मत, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम मेरे राज्य की रानी बनोगी। पर ऑरलैंडो, जो कि पहले तो मालकिन समझती थी अपने स्टेट का, उस समय वो अपने आप को इस प्रिंस के बराबरी का समझती थी, पर अब उसके पास कोई राज्य नहीं है। ऐसे में वो इस प्रिंस के गुलाम नहीं बनना चाहती, ये सब उसके सेल्फ स्टीम के खिलाफ है, उसने जाने से इनकार कर दिया है। प्रिंस उसे समझाने की काफ़ी कोशिशें करता है, पर अंत में ऑरलैंडो नहीं मानी, मजबूरन प्रिंस उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। कहानी और भी आगे आती है, समय आ गया है 1990 के आसपास का, ऑरलैंडो अब प्रेग्नेंट है। कुछ ही समय के बाद वह एक डॉटर को जन्म देती है। धीरे धीरे ऑरलैंडो ने उसे रेस करना शुरू किया है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि ऑरलैंडो अभी भी वैसी ही है जैसे कि फिल्म की शुरुआत में थी। उसकी बेटी अब थोड़ी बड़ी हो गई है, यहाँ झाड़ियों में वो खेल रही है, ऑरलैंडो पेड़ के नीचे लेटे उसे देख रही है। यहाँ एंजल आकर ऑरलैंडो से बात करती है। ऑरलैंडो को इंतज़ार है तो अपने इस जीवन के ख़त्म होने का, पर ये जवानी है जो कि ख़त्म नहीं हो रही। ऑरलैंडो को कोई भी उम्मीद नहीं है कि उसका ये जीवन कभी भी ख़त्म होगा। उसकी आंखों में आंसू हैं और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।